अष्टावक्र गीता अध्याय 5 तीसरे चौथे अध्याय में अष्टावक्र जी द्वारा राजा जनक की परीक्षा और राजा जनक द्वारा सवालों के जवाब संकलित थे। पांचवें अध्याय में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक की दृढ़ता के लिए उपदेश देते हैं। ऋषि अष्टावक्र चाहते हैं कि उनका शिष्य जनक इस आत्मज्ञान में और दृढ़ता को प्राप्त करे। पहले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, तू शुद्ध बोध स्वरूप है, तू असंग है। जब तेरे द्वारा कुछ ग्रहण ही नहीं किया जाता तो तू किसे त्यागेगा। मैं देह हूँ और यह देह मेरा है। ऐसे अहंकार को छोड़कर तू अपने निज स्वरूप में स्थित हो जा। ऋषि अष्टावक्र राज जनक को कहते हैं कि तू शुद्ध बोध रूप है, तू देह ही नहीं है और यह त्यागने और ग्रहण करने का धर्म देह का है। जब तू देह नहीं है तो तू किसका ग्रहण करेगा और किसका त्याग करेगा। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, तुझसे संसार उत्पन्न होता है और तुझमें ही संसार विलय होता है। जैसे समुद्र में बुलबुले उत्पन्न होते हैं और फिर समुद्र में ही विलय हो जाते हैं, पर तू इस आत्मा को जानकर शांति को प्राप्त कर। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, यह आत्मा सदैव शुद्ध और मुक्त है और यह बंधन को प्राप्त नहीं होता। बंधन और मोक्ष दोनों मन के विषय हैं। जब मन के साथ तादात्म्य ही नहीं होगा तो बंधन और मोक्ष दोनों का ही अस्तित्व भी नहीं रह जाता। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन और मोक्ष तो दोनों मन के विषय हैं। जिस तरह भूख प्यास सर्दी गर्मी इत्यादि शरीर के विषय हैं, इसी तरह बंधन और मोक्ष पाप पुण्य स्वर्ग नरक ये सब भी मन के विषय हैं। और राजा जनक को ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, जब मन के साथ ही इस चेतना का तादात्म्य नहीं रहेगा तो बंधन और मोक्ष किसके होंगे, क्योंकि आत्मभाव में स्थित ज्ञानी आत्मा ही होता है और बंधन और मोक्ष आत्मा के नहीं होते, अतः दोनों का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तीसरे श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, यह संसार प्रत्यक्ष होता हुआ भी वास्तव में अस्तित्वगत नहीं है। यह ऐसा ही है जैसे रस्सी में सर्प का प्रतीत होना। इसलिए तू सभी विचारों को त्याग कर शांति को प्राप्त हो। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, जनक तू आत्म रूप में पूर्ण है। इस शरीर में उत्पन्न हुए जो सुख और दुख हैं उनमें भी तू पूर्ण है। आशा और निराशा में भी तू सम है। नीचे और ऊपर हर जगह तू पूर्ण है। जीने और मरने में भी तू सम है। तू निर्विकार है। सुख दुख में भी तू सम है, क्योंकि ये सब आत्मा के धर्म नहीं है। अतः आत्मा के लिए यह सब मिथ्या है। तू ऐसा जानकर शांत और सुखी हो जा। यहाँ अध्याय 5 समाप्त हुआ।